Well, hi guys, this is Prince. Welcome back to Mr. and Mrs. Prince. Hey guys, welcome back. How? दिन हो या रात हो या सुबह हो, सिर्फ आप लोगों के लिए लड़की वीडियोस बनाती रहती है। अभी भी कुछ ना कुछ कर रही है। तभी क्या ताम झाम वगैरह इधर पूरा ही डेकोरेट करते रहते हैं। हर महीने एक दिन यहाँ पर बीतता है। आज शूट हो रहा है, वेडिंग है, इसलिए मैं अच्छे से वेडिंग जैसे गेस्ट मेकअप। आ जाइए, आप देख के आ जाइए, थोड़ा समझ। आइए आइए, कितने दिनों बाद व्लॉग बन रहा है। हाँ, रोज पुराने व्लॉग दिखाते हैं। अच्छा, आज करंट व्लॉग, करंट व्लॉग है और उसके अंदर थोड़ा पुराना व्लॉग है। ठीक है, इसमें 6 months स्टार्ट हो चुके हैं। कई लोग तभी देखना चाहते हैं, नहीं दिखाया, चलो आज आपको रिवील करते हैं। सो हियर इट इज, बहुत जल्दी आने वाला है हमारे बीच कोई तीसरा। हाँ, हमारे बीच नहीं, हमारे साथ तीसरा। हमारे साथ। अच्छा, डेली की कितनी पड़ रही है आपको? अरे हाँ, किक तो बहुत बहुत लाते पड़ रही है, लाते घुसे मुक्के सब पड़ रहे हैं। मैंने प्रिंस को भी सुनाया अभी लास्ट, तो कल सुनाया था। तो कैसा लगा तुम्हें? मजा आ गया। ऐसे लग रहा, ऐसे ऐसे बैठे ना, ऐसे रनबिज के वेलकम मूवी में सीन है ना अक्षय कुमार का, मैं इनको उंगली लगाऊंगा, क्या करोगे, ये लो लगाई, उखाड़ो कुछ उखाड़ोगे तो ये लगाओ, ये देखो ऐसे आता हल्का, देखो ऐसे हल्का हल्का। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है, हल्का हल्का है पर फील होता है। हाँ, हमने नया डाइनिंग टेबल ऑर्डर किया क्योंकि ये टूटने की कगार पे पहुंच चुका है। पहले टेबल ऑर्डर किया है और दो चेयर। हाँ, ये पे उसके साथ का जो जोड़ा है वो चेयर ऑर्डर किया है। एक बहुत ही बढ़िया मिरर भी ऑर्डर किया है प्रिंस ने, शूट में जरूरत पड़ी। और सर्विस टेबल भी की है, वो भी बहुत मस्त है, वो एक वीडियो के लिए स्पेशल काम आएगा। तुम उसमें भी तो कर सकते हो, बी नेचुरल। रेखा वर्सेस प्रिंस पे काम स्टार्ट होने वाला है। अब हम बैक टू नॉर्मल हो गए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अब हम उसमें भी स्टार्ट करेंगे चैलेंज वीडियोस, जहां मैं प्रिंस को चैलेंज दूंगी। हाँ, पर उसमें ये होगा रेखा कुछ नहीं खाएगी, रेखा भागेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं, सेफ्टी के साथ हम करेंगे। हाँ, बाकी सब कुछ रेखा के बदले का मैं करने वाला हूँ वीडियो के अंदर। रेखा वर्सेस प्रिंस का लिंक पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, हम उस पे एक्टिव होंगे। मैं बहुत मजा आता था जब हम रेखा वर्सेस प्रिंस करते थे ना, इतने एक एनर्जी, मेंटली फिजिकली काफी एक्टिव हो जाते थे यार। अच्छा, तो अल्ट्रासाउंड, ये बहुत जरूरी अल्ट्रासाउंड था। अल्ट्रासाउंड का नाम था एनोमली टेस्ट, है ना? तो ये अच्छा हुआ है। ये हुआ कब था हमारा? दिसंबर के एंड पे हुआ था ना, लास्ट वीक। हाँ, लास्ट वीक, दिसंबर के लास्ट वीक में हुआ था। और हम आपको कम से कम एक डेढ़ महीने बाद बता रहे हैं। एक महीना ऑलमोस्ट। अच्छा, आप देख लीजिए उसके बाद हमें क्या फील हुआ था, उस टाइम पे मुझे क्या फील हो रहा था, बाद में बताते हैं, आप पहले देखिए। हाँ, ठीक है, चलिए देखिए। वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, ये है प्रिंस और मैं हूँ मिसेस प्रिंस रेखा। सो हम जा रहे हैं आज अपने अल्ट्रासाउंड के लिए। मैं इतनी खुश लग रही हूँ पर मैं बहुत नर्वस हूँ अगेन, हमेशा की तरह। लाइफ का बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा है, एग्जाम से भी बड़ी चीज कोई बोल सकते हो। एनिमली स्कैन है जिसके अंदर बच्चे की पूरी ग्रोथ मेजर की जाएगी, हड्डियाँ, लेंथ, वेट, एवरीथिंग सब कुछ पता लग जाएगा, है ना, कि हेल्दी है बेबी। तो ये जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है सभी होने वाली माँ को। डॉक्टर बोला जाता, डॉक्टर्स के द्वारा बोला जाता है कि आपको ये टेस्ट कराना जरूरी है, तो आप लोग भी ये टेस्ट कराइए, डॉक्टर आपके बोलेंगे तब। तो अभी हम जा रहे हैं, नीचे भैया आ गए हैं, ड्राइवर भैया नीचे आ गए हैं, जा रहे हैं हम, मिलते हैं वहाँ पर। उसके बाद घर पे आके क्या रिपोर्ट निकली, डॉक्टर ने क्या बोला, कैसे क्या, अगला टेस्ट कौन सा होने वाला है। गाइस, मेरी अभी यहाँ पर, तो मत बोलो, रेस्ट करो। ओके, मैं बताती हूँ, प्रिंस के गला खराब है, वो ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, तो मेरे को बोलने दो। एक बार शुरू होते तो खत्म ही नहीं होते हो। 10 बजे हमारा होगा अल्ट्रासाउंड और 12 बजे है हमारी गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट। तो हम 1 बजे घर आएंगे, तो 2 बजे आपको हम बताएंगे कि क्या अपडेट है। एंड विशेस ऑल द बेस्ट। वैसे जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक सब कुछ हो चुका होगा, बट फिर भी दुआओं में याद रखना। हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में, बाय। तो गाइस, हम निकल चुके हैं कुछ ही देर में। कितनी देर में पहुंचेंगे? ट्रैफिक पर डिपेंड है, सुबह का टाइम है, ट्रैफिक बहुत मिलेगा। 9 बजे निकले हैं सुबह, 9 बजे, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये देखो, इतनी जल्दी में यही होता है कि टैग ही नहीं काटा, टैग लगा रखा है। मैं भूल गई, मैं एक्साइटेड, मैं भूल गई। अच्छा, वो तुमने देख लिया, वरना बहुत बेइज्जती हो जाती। घर से लेके तुम यहाँ तक आ गए, बाल पीछे था ना, नहीं देखा किसी ने।
फैमिली बेचारी है बेइज्जती होने से। तुम्हारे बाल भी तो है, बाल पीछे कर लेते। नहीं नहीं, मुझे तो पता होता ना, मुझको अच्छा ही लगता। ओवरऑल ग्रोथ मैंने अभी देखा है ना, नॉर्मल है वो। अच्छा, अभी हम लोग हर पार्ट का डिटेल देख रहे हैं, जैसे अभी हेड है ना, तो ब्रेन का, तो चीज का, तो अच्छे का टोटल अमाउंट हो। तो गाइस अल्ट्रासाउंड हो गया है और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। कैसा लगा बेबी? अच्छा लगा, बाकी सब कुछ ठीक है, ये अच्छी बात है, सब ठीक है। हमें आना था 12:15 और हम लोग आ गए 11:15। हमने जल्दी अपॉइंटमेंट किया ताकि हमें वेट ना करना पड़े, पर हमें अब 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये भी होता है, अगर आप लेट आते हो तो आप लेट होते चले जाते हो, अगर पहले आते हो तो कई बार होता है, ठीक है, तो आप सिक्योर रहते हो कि आप लेट हो, आप टाइम से हो, बाकी सारी चीज टाइम से हो रही। हम टाइम से पहले हैं तो हम आगे फ्री हो गए, टाइम से कैसे 1 घंटा तो वेट करना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, यही चीज अगर तुम घर से नहीं निकलते हो, मिल के बात करते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिल गया है हमने, उन्होंने भी सब कुछ ओके बोला है। हाँ जी भैया, आप आ जाओ, हाँ गेट पे आ जाओ। हाँ हाँ, आगे नीचे हैं, आप उधर ही क्यों खड़े हो ना? तो ट्रेवर को फ़ोन किया है, कार पार्किंग में है, अभी घर जाएंगे और फिर इत्मीनान से बैठ करके सारी बातें करेंगे। हाँ, मज़ा आ गया। गाइस जैसे कि आपने अल्ट्रासाउंड देखा, बेबी परफेक्ट है, बहुत ही क्यूट है। उस टाइम प्रिंस कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए थे, हमने उसका व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ी बहुत। हाँ, लेकिन तुम ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, मोमेंट ही ऐसा होता है। हाँ, सच में ऐसा होता है। मतलब डॉक्टर बोल रहे थे, देखो ये माउथ खोल रहा है, काफी एक्टिव है, हाय हाय बोल रहा है, बोल रही है आपका बेबी। हाँ, और दूसरा ये बेबी के ना हार्ट, जो हार्ट है वो काफी ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुली चैम्बर्स नजर आ रहे हैं, ये अच्छी है, ग्रोथ काफी अच्छी है और सब कुछ अच्छा है। तो ये सुनकर हर माता पिता जो बनने वाले हैं, ऑफिस के बाद सबको अच्छा लगेगा। और वही है, थोड़ा फील आता है कि जब हम अपनी माँ की कोख में होते हैं तो ये मोमेंट उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, और तो वही चीज है, तो थोड़ा बहुत तो लगता ही ना भाई। बेबी बाहर आएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा या हो जाएगी, फिर वो देखेंगे हमारे साथ, कितना मजा आएगा ना। सच में ये तो मेमोरीज है जो लाइफ टाइम रहने वाली है, और ये ही पल आप सबको एंजॉय करना है ना। और बस अच्छी हेल्थ के लिए आप अच्छा खान पान रखिए, अपनी ध्यान रखिए, अपनी वाइफ का ध्यान रखिए, यही है। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने बोला है 7वें महीने में, तो वो भी अभी 7वां महीना भी कुछ हफ्तों में स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। 2 हफ्तों बाद 7वां महीना स्टार्ट होगा, तो वो हम आपको दिखाएंगे 7वें महीने का अगला अल्ट्रासाउंड, वो सेकंड लेवल का होगा, एनिमल स्कैन, उसमें और भी अच्छे से होगा। और जीटी क्या था उस टेस्ट, कौन सा था वो? ग्लू डायबिटीज के लिए टेस्ट बोला था, ओटी कुछ ऐसा था, सिंपल में बताया था उसमें क्या करना होता है। फास्टिंग में आपका डायबिटीज का टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है ना, ग्लूकोज टेस्ट। तो 8 बजे आपको फास्टिंग में एक सैंपल वो कलेक्ट करके जाएंगे, 8:30 बजे आपको 75 ग्राम आपको ग्लूकोज लेना है। उसके 1 घंटे बाद दोबारा सैंपल लेने आएंगे भैया, फिर उसके 1 घंटे बाद लेने आएंगे, 3 बार। हाँ, 3 बार है, तो उसमें देखा जाएगा कि डायबिटीज तो नहीं है आपको। ग्लूकोज लेने के बाद भी डायबिटीज होते होंगे कुछ, इतना मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, सॉरी अगर कुछ गलत बोला तो मैंने, पर यह है कि हाँ, अब हम ये व्लॉग जाएगा उसके बाद आप लोगों की रिक्वेस्ट करती, कुछ भी हो जाए दीदी जी, आप कंटिन्यू आ जाए प्लीज, आप दोनों के बिना हमें अच्छा नहीं लगता, हम दोनों को हम सबको आप ही केमिस्ट्री अच्छी लगती है, ये तो बात भाई माननी पड़ेगी यार। गाजर का हलवा मैंने मंगा लिया था, रेखा ने परमिशन दी, मैंने मंगा लिया। 1 सेकंड, बी नेचुरल की वीडियो में जहाँ प्रिंस को मैंने अपने अंडरआर्म्स की बदबू दिखाई थी, तब उन्होंने बोलता कि नया गंदी बदबू आई है मेरे को गाजर का हलवा, गाइज आप लोग कॉमेंट करो, आपने इतना भर भर के कॉमेंट किया गाजर का हलवा, गाजर का हलवा जीजू को दिलाओ दिलाओ दिलाओ, कंक्लूजन निकाल दो वीडियो। हाँ,
वीडियो में ये था कि ऑनलाइन एक फॉरनर ना अपना पाद बेचती है डब्बे में डाल करके और 75,000 चार्जेस लेती है उसके, तो मैंने वही मंगवाया और उसका रिव्यू किया। वीडियो के एंड में मैंने बोल दिया कि मैंने नहीं मंगवाया था, उसके अंदर मैंने ही अपना कुछ कुछ डाल करके प्रिंस कुछ कुछ ये था। मतलब यार अंडर आर्म्स पर टिश्यू पेपर रब कर दिया, बस यही था और कुछ नहीं। मैंने अच्छे से बोल दिया था क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, मैं इतने पैसे पाद में वेस्ट नहीं करूंगी, मैंने बोल दिया था। लेकिन फिर भी लोगों सुनना होगा तो मेरे सुन लोगी ना, फिर भी लोगों के कमेंट आते हैं कि इतने पैसे वेस्ट कर दिए, गरीब को दे देते वो, किसी को देना है हम देते हैं गाइस, लेकिन इतने पैसे फालतू के खर्च नहीं करते हैं। मैंने वीडियो में साफ साफ बोला था लेकिन फिर भी लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। प्लीज स्किप मत किया करो वीडियो, तभी आप सुनते नहीं हो अच्छे से। अच्छा एक कमेंट भाई मैं बताऊं, 1.5 लाख व्यूज हुए थे उस वक्त, लाइन से कमेंट्स, कम से कम 2000 कमेंट्स आ गए थे। मतलब बी नेचुरल पे रिकॉर्ड ही है भाई, इतने कम व्यूज पे इतने ज्यादा कमेंट्स मुझे नहीं लगता कभी आए। एक आया, ओ माय गॉड दीदी ये वीडियो देख देख के मेरी हंसी निकल गई और हंसी हंसी मेरा पाद भी निकल गया और पुर पुर, ओ भाई ये पुरपुर ऐड किया इन्होंने खुद से। नहीं मैं समझ सकता हूँ, होता है, ऐसा नहीं है आप अकेले नहीं है धरती पे, कई लोगों का निकलता है हंसते हंसते हंसी भी नीचे ऐसा होता है ना, हंसते हंसते खुल जाए रस्ते। हाँ तो यही चीज है, तो हमने सोचा कि नहीं यार आपका मतलब इतनी 2 साल से इतना कुछ हो रहा है लाइफ में, सभी की लाइफ में, तो कुछ ना हम अपनी केमिस्ट्री वापस लेके आ जाए। रेखा वर्सेस प्रिंस जो हमारा चैनल है उसमें हम एक्टिव हो जाएंगे बहुत जल्दी, पहले ब्लॉग पे एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, उसके बाद रेखा वर्सेस प्रिंस पे रेगुलर आएंगे। बीनाशु पे ऑलरेडी मैं रेगुलर आ चुकी हूँ, उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे, मानना पड़ेगा भाई। इन दिनों बेबी है और मैं बेबी खुद कहता है माँ क्या कर रहे हो, बैठे मत रहो, चलो शूट करो, काम करो कुछ। उसको भी मजा आ रहा है मेरी तरह, मुझे भी बहुत मजा आता है। आई लव माई वर्क, दिस इज माई पैशन, तो कर रहे हैं अभी हम लाइफ में सब कुछ भगवान की दया से, आपकी विशेष से सब नॉर्मल हो गया है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए थे पर अभी ठीक है। दूसरा अपडेट अभी ये दे देते हैं आपको कि जो डॉक्टर सर का जो था आपको वीडियो दिखाया था उसमें जो कहा था कि ट्रिक वाला टेस्ट होगा, अभी कोई टेस्ट नहीं होने वाला है क्योंकि ये टेस्ट हमारा अच्छा निकला है। अगर इसमें कुछ लिखता अगर इसमें कुछ निकलता या कुछ ऐसे विजिबिलिटी लगती है अल्ट्रासाउंड में तो एमनियोटिक फ्लूइड जो टेस्ट होता है जिसके अंदर गर्भाशय से प्रिक करके निकालते हैं नमूना, वो नहीं होगा, वो बहुत डेंजरस टेस्ट होता है और मैं नहीं चाहती थी वो हो। बहुत ही मुश्किल पार करके आए यार, माँ बाप बनना आसान नहीं होता है, अभी समझ में आता है माँ बनना बाप बनना बहुत सारी कठिनाइयां आती है, उन सबका सामना करके करते हैं। अच्छा, हम अकेले नहीं सब करते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आपको और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने मिलेंगे एंड इस बार प्रॉमिस है हम रेगुलर रहेंगे। और हम बीच में रेगुलर क्यों नहीं थे उसकी अलग कहानी है, वो बताएंगे ब्लॉग में आपको मिलेगा देखने को, वो पुराना ब्लॉग पेंडिंग है, पुराने ब्लॉग है, उसमें आपको समझ जाएगा कि भैया आसान नहीं है, समझ जाओ हिंट देता हूँ आसान नहीं है आपको पता। चलो गाइस हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, लव यू।